हेलो, माय नेम इज तरुण अग्रवाल और आज मैं जो कन्वर्जेशन करने वाला हूँ इस वीडियो में, दैट इज आई एम हैविंग कन्वर्जेशन विद मिस्टर दीपक सिंह एंड शोभा सिंह. ओके, एंड ये जो कपल हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पिछले 6 साल से हैं एंड दे आर फ्रॉम हैदराबाद. और बहुत ही अमेजिंग जो एक जो फिगर मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उसको सुनोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. दैट इज पिछले 6 साल के अंदर इनका जो टीम साइज है दैट इज 1,27,000 पीपल. ओके, इन देयर नेटवर्क, जस्ट इमेजिन दिस, 1,27,000 पीपल. एंड डीएनए क्लब में दे आर पार्ट ऑफ डीएनए क्लब फॉर लास्ट 1.5 ईयर्स एंड दे आर फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स ग्रुप. ओके, सो मिस्टर दीपक सिंह एंड शोभा सिंह, वेलकम टू दिस कन्वर्जेशन एंड ऑल द ट्रांसफॉर्मर्स. ओके, अगर आप इसको सुन रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कमेंट कमेंट बॉक्स में जस्ट टाइप स्माइली और आप जो भी वाओ वूहू जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बिकॉज यू गॉट 1,000 पॉइंट्स बिकॉज दीपक सिंह शोभा सिंह दे हैव क्वालिफाइड फॉर मोर देन 1 लाख जो हमारा अचीवमेंट होता है डीएनए प्लेटिनम में. सो दे आर प्लेटिनम मेंबर्स. सो वेलकम टू दिस कन्वर्जेशन. थोड़ा सा शेयर करिए अपने बारे में. आप हैदराबाद से तो हैं बट बिफोर नेटवर्क मार्केटिंग क्या करते थे, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आए? स्टेज इज योर्स. यस थैंक यू तरुण सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मैं इंडियन एयरफोर्स में जॉब करता था अच्छा और मेरी वाइफ आईसीसी बैंक में मैनेजर थी और ओ दिल्ली में मैं पोस्टिंग था. और एक अननोन शख्स से ऐसे ही मेट्रो में टकरा गया. हुआ ये कि मेरे ब्रदर इन लॉ का किडनी फेलियर था और मैं गंगाराम दिल्ली में इलाज कराया करता था. ओके तो ये बात मैंने किसी से डिस्कस किया और बंदे ने बोला कि आप जब दिखाई रहे हो तो कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी साथ में इस्तेमाल करो एंड मोटिवेशन वर्ड भी शायद काम आ जाए. तो राइट इस होप में मैंने उनकी बात को पूरी सुनी कि अच्छा शायद कुछ जादू हो जाए. और मैंने उनकी बात सुनी, फुट पैच मैंने यूज किया था और द सीक्रेट मूवी अपने जिया जी को दिखाया था. वन अच्छा वीक के मोटिवेशन में उनका दोनों फेल किडनी रिकवर हो गया. और आज से शायद 7 ईयर बैक मैंने फेसबुक में डाला भी था कि डॉक्टर जल्दी करो इसलिए नहीं बोलते हैं कि मरीज ठीक हो जाए, बल्कि अपने आप ना ठीक हो जाए इसलिए जल्दी करो बोलते हैं. और मैंने पावर ऑफ मोटिवेशन ये देखा कि बहुत कुछ जो है इंसान अपने जीवन में पा सकता है और ठीक कर सकता है. तो मैंने इस चीज को, आयुर्वेद प्रोडक्ट को ध्यान से देखना शुरू किया, इंडियन प्रोडक्ट को ध्यान से देखना शुरू किया और खुद भी कंज्यूम शुरू करना शुरू किया. जब मैंने कंज्यूम किया तो मेरे ऑफिस के लोगों ने भी बोला कि चेहरे पर ग्लो आ रही है, क्या बात है. तो मैंने बताया कि मैं कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ. तो इसी प्रकार से मेरे ऑफिस के कुछ फ्रेंड सर्कल ने लिया, फिर मेरे पुराने दोस्तों ने लिया और इस प्रकार से मेरा नेटवर्किंग करियर स्टार्ट हुआ. अच्छा लेकिन नेटवर्किंग करियर स्टार्ट होते ही हुआ ये कि मेरी पोस्टिंग हैदराबाद आ गई. बिना अच्छा ओके सीखे मैं हैदराबाद आ गया तो वो बात हो गई कि यू आर वर्किंग बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस. और राइट मेरा पास्ट एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा नहीं था. बिफोर कमिंग टू करंट कंपनी, पहले मैं लेफ्ट राइट की कंपनी में और जहां पर बोले एक कान में आके कोई बोले 1 लाख लगा और 10,000 मिलता, मैं वहां चला जाता था. और ओके उस लालच में मैं लोगों का पैसा डुबाता, अपना भी डुबाता. तो पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, लेकिन पावर ऑफ नेटवर्किंग एंड पावर ऑफ सिस्टम मुझे समझ आ गया था. तो भी उसी लर्निंग के बेस पर मैं कंटिन्यू वर्किंग करता रहा. 40,000 का इनकम तो मैंने 3 ईयर कंटिन्यू ऐसे लिया जैसे कि कोई सैलरी ले रहा हो. लोग अच्छा बोलते थे कि आप तो यहाँ से सैलरी ले रहे हो, क्योंकि मुझे नेटवर्किंग करना आता था, लोगों से दोस्ती करना आता था. और मेरा एक फर्म बिलीव गॉड पर था कि इफ यू डू गुड, गुड विल कम टू यू. तो मैं बहुत अच्छे से लोगों से कनेक्ट हो जाता था, लोगों की लाइफ में वैल्यू देता था. और क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस ये बताता था कि कभी भी किसी का नुकसान ना होने दो, तो आई यूज टू गिव लाइफ लॉन्ग वारंटी फॉर माई प्रोडक्ट. इफ यू डोंट लाइक, इवन आफ्टर 1 ईयर इफ यू आर रिटर्निंग मी, आई विल गिव यू अनदर प्रोडक्ट ऑन एक्सचेंज. लेकिन आपको मेरे प्रोडक्ट और मेरी कंपनी के कारण कभी भी लेट डाउन नहीं होना पड़ेगा. और यही गारंटी वारंटी मेरे जॉब के साथ चलने चलते हुए भी कभी प्रॉब्लम नहीं आने दिया. और मैं सक्सेसफुली अप्रैल 2020 को रिटायरमेंट हुआ. द डे आई रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स, तब तक मेरी इस कंपनी में मोर देन 1 करोड़ की अर्निंग हो चुकी थी, 2 कार अचीव कर चुका था और उसी मंथ मेरी हाईएस्ट इनकम आई थी 3,45,000 जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड दिया था. तो हाईएस्ट इनकम मुझे मेरे रिटायरमेंट वाले डे में आया. तो इट मीन दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग. तो हुआ ये कि मेरी हैदराबाद से पोस्टिंग फिर कानपुर आ गई. अब यहाँ टीम को कौन देखेगा, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि अब आप टीम को हैंडल करो और मैंने इनको हैंडओवर करके कानपुर चला गया था. तो अच्छा इन्होंने भी संडे संडे इवेंट को कंटिन्यू रखा. तो डायरेक्टली मैडम कैम एज ए क्राउन एक्टर डायरेक्टली, मतलब रेडीमेड आई थी लेकिन रेडीमेड इन्होंने स्टेज लिया और रेडीमेड सक्सेसफुल इन्होंने उसको कंप्लीट भी किया और मेरा एक लेवल भी अपग्रेड हुआ इसके कारण.
और मैं सक्सेसफुली यहाँ पर सक्सेस हूँ, तो उसमें बहुत बड़ा रीजन मेरी वाइफ का भी था। तो इन्होंने देखा कि पावर ऑफ नेटवर्किंग बहुत अच्छा है एंड लोगों को कन्विंस करके इनकम बनाना इजी है उस बॉस को कन्विंस करके प्रमोशन लेने की तुलना में, अगर कंपेयर करें तो। हम अगर एक लाइन डेवलप करते हैं तो 20,000 to 50,000 एक्स्ट्रा इनकम होल लाइफ आता है, दैट इज मच इजियर। तो इन्होंने भी अपना क्विट करने का फैसला किया और इन्होंने अपना एक यूनिक कॉन्सेप्ट लाया, ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट, जिसके बारे में मैं वही बताएगी, मैं उनको इनवाइट करता हूं। ओके, तो इससे पहले कि आप ये अपना कॉन्टेस्ट के बारे में बताएं कि आप किस तरीके से अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इनिशियली, क्योंकि हम लोग को जो भी लोग सुन रहे हैं अभी, वो कई सारे ऐसे लोग होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उन्होंने अभी जस्ट रिसेंटली ज्वाइन किया एंड दे माइट बी फेसिंग सम चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप कुछ अपने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करिए कि स्टार्टिंग में अलॉन्ग विद जॉब जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे, कोई ऐसे टॉप दो तीन चैलेंजेस आपने कुछ फेस किए कि टीम आई छोड़ के चली गई, या कोई नेटवर्क मार्केटिंग सुनती लोग नमस्ते करते थे, ऐसे कुछ आपने कुछ फेस किया चैलेंज स्टार्टिंग में? यस सर, ये मेरा हुआ सबसे बड़ा चैलेंज, तो मुझे मेरे घर से हुआ कि मेरे घर में कोई बिलीव नहीं करता था, शोभा ने कभी भी बिलीव नहीं किया, मुझे मेरी वाइफ से भी सपोर्ट नहीं मिला और मैं बिजनेस छुप छुप के क्या करता था। हाँ, ऑफिस से आने के बाद, क्योंकि मेरे पास 4 घंटा फिर भी रहता था, मैं 2 बजे छूट जाता था और सुबह 8 बजे आती थी, तो जो 4 से 6 घंटे का गैप था, इसी घंटे में मैं काम करता था और मैं लोगों से बात करता, रिलेशनशिप बिल्ड करता, टीम बनाता। एक छुट्टी या एक अगर मैं कहीं घूमकर आता तो यहाँ की टीम गायब हो जाती, वो किसी और लेफ्ट राइट की कंपनी में चले जाती, फिर मैं उनको बताता कि लेफ्ट राइट की कंपनी का जगह जनरेशन प्लान जो होता है लाइफ लॉन्ग देता है, आपको स्टेप बाय स्टेप और पेशेंस रखना पड़ता है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन फिर सिखाना पड़ता और थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर भी था सर, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए मेरा सेल्फ मोटिवेशन था, क्योंकि मैंने एक चीज देखा था दिल्ली में जब मैं था और वर्किंग कर रहा था, तो मैंने लोगों को करोड़ों कमाते देखा और मैंने भी कमाया, और मैंने ये देखा कि जो टीका रहता है वो पैसा कैसे भी कमाता है, और वहां पर जब टेस्टिमनी बहुत होते थे और टेस्टिमनी मैं देखता था कि दम आर वेरी लो प्रोफाइल बट गेटिंग बिग इनकम सोर्सेस, उसका एक ही था कि ही इज कंटिन्यूइंग इन दैट सिस्टम फॉर लॉन्ग पीरियड। तो ये मेरे माइंड में घुस गई कि आप 10 अच्छे सिस्टम ढूंढने की जगह एक अच्छे सिस्टम में लंबे टाइम तक रहिए और उसी, हाँ, टिके रहना मेरा प्रिंसिपल सबसे बड़ा था सर। उसके बाद रिलेशनशिप बिल्डिंग था, उसके बाद फेट था, और उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी की पावर को समझा। फ्रीक्वेंसी मींस ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, आपने अवतार मूवी देखा होगा सर, अवतार मूवी में जैसे कनेक्टिविटी दिखाता है हार्ट एंड माइंड का, उस प्रिंसिपल को मैंने समझा कि लोगों के टोन के हिसाब से आप अपनी टोन को मैच करिए, लोगों को वैल्यू दीजिए, वो आपके साथ होल लाइफ रहेगा। और इसी कारण मेरी टीम बढ़ती गई सर, और रिलेशनशिप बिल्ड के कारण ही सक्सेस हुआ। प्रॉब्लम की बात करूं तो सर 3-4 बार मैंने टीम को रीबिल्ड किया है और आज फिर मैं रीबिल्ड कर रहा हूँ। कोरोना टाइम में बहुत सारे टीम जो है उबर नहीं पाए, लेकिन अगर मैं उनके फैमिली प्रॉब्लम या उनके पर्सनल प्रॉब्लम में एंटर हो जाऊंगा तो मेरा बहुत बड़ा समय चला जाएगा, तो उससे बेटर मैंने ये समझा नई टीम को बिल्ड करने का, एंड आई एम रिक्रिएटिंग ए न्यू टीम नाउ। एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल सही आपने बहुत बात बोला, नेटवर्क मार्केटिंग में इट इज ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग द एनर्जी, जो एक एक्साइटमेंट मैं देखता हूँ कि कोरोना में सभी लोग थोड़ा सा डाउन थे बट नेटवर्क मार्केटर्स फिर भी जोश में थे पूरे ओके, तो वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे थे, तो दैट इज अ गुड थिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री, जो कि हर एक इवन रिसेशन के टाइम पे हमारी इंडस्ट्री और ज्यादा अच्छे से काम करती है, बिकॉज वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करती है। राइट, गुड गुड गुड। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इससे पहले कि हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरफ जाएं, ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफलाइन आप किस तरीके से काम करते थे, एंड व्हेन यू एक्चुअली केम टू डीएनए क्लब, व्हाट वर द टॉप 3 थिंग्स जो कि आपने चेंजेस करे अपने वर्किंग स्टाइल में, बिकॉज जैसे आपने बोला कि टीम को रीबिल्ड किया, जो कि हर एक पर्सन को हर 1 से 2 साल के अंदर अपनी टीम को रीबिल्ड करना पड़ता है, ओके, दैट इज अ रियलिटी, बिकॉज समथिंग विल हैपन, बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे बट पता नहीं क्या लाइफ विल टेक ओवर, कुछ होगा और पता नहीं क्या होगा, वो चले जाएंगे, आएंगे जाएंगे बट वी हैव टू रीबिल्ड द टीम। सो व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स जो कि आपने सीखा या आपने इंप्लीमेंट करा आफ्टर बिकमिंग पार्ट ऑफ डीएनए क्लब? सर, डीएनए आने के बाद सबसे पहले मुझे पावर ऑफ सोशल मीडिया समझ आया, तो मैंने अपने फेसबुक और इंस्टा प्रोफाइल को संभालना शुरू किया, डेली 1 मोटिवेशन कोट के प्रिंसिपल पे रहा, और तब से लेके आज तक लास्ट 2 ईयर में कभी भी ऐसा एक दिन नहीं गया कि मैंने कोई कोट बना के अपने टीम को ना दिया हो। साथ साथ में टीम से कनेक्ट रहने के लिए जूम का पावर को मैंने समझा, कजाबी के पावर को समझा, और उसके बाद मैंने जूम में कंटिन्यू रखा,
फिर आपका जो ट्रेनिंग सिस्टम था वो मैंने आपसे डिस्कस किया कि वैसा ही मैं भी चाहता हूँ, तो आपने बोला सबको अपना अपना होना चाहिए, तो मैं उस चीज को भी समझा, मैंने अपने वॉइस में भी ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग किए, जूम में सिस्टमेटिक डाला, उसको सीरियल वाइज करके लोगों को दिया, और सबको मैंने टेलीग्राम में ऐड करके मैंने अपना यूनिक ट्रेनिंग सिस्टम बना दिया टेलीग्राम में, कि जो भी वेस्टेज में मेरी टीम में आएगी वो टीम वाले को इस ट्रेनिंग टेलीग्राम के लिंक में जाना है और वो स्टेप बाय स्टेप डे वन डे टू करके लर्निंग करेंगे। इस प्रकार से मैंने उनको एक ट्रेनिंग का सिस्टम दिया जो मैंने आप ही से सीखा सर। फिर उसके बाद मैंने सबसे ज्यादा आपसे जो सीखा, कूल रहना इन एनी सिचुएशन। कई बार क्या होता है सर, ऐसा होता नहीं है कि हम प्रॉब्लम आ जाने पर कई बार परेशान हो जाते थे, लेकिन जब मैं आपका प्रोग्राम देखता था तो मैंने एक चीज समझा कि सबका टाइम आता है तो अपना टाइम भी आएगा, और मैंने अपने टीम को हमेशा यही सिखाया कि प्रोग्राम में आते रहो, सिस्टम में आते रहो और तुम ग्रो करोगे। फिर तीसरा जो चीज मैंने इम्प्लीमेंट किया लास्ट टू ईयर में, छोटे छोटे लोगों को बड़ा बड़ा वैल्यू देके बड़ा रिजल्ट निकालना। मेरे लिए सारे लोग बराबर रहते थे, जिस पर्सन में मुझे पोटेंशियल नजर आता था, जैसे ईगल वाली बात आती थी, तो वो भले वो लो ग्रुप से हो या हाई इनकम ग्रुप से हो, उनको हाई वैल्यू देके मैं रिजल्ट निकालने पर ज्यादा फोकस करता था, और सबको मैं ऑनलाइन कनेक्ट होके कुछ समय बाद एग्जिट कर जाता था उसकी लाइफ से, ताकि वो इंडिविजुअली अपने आप को ग्रो करने की कोशिश। तो ये मैंने तीन चीज आपसे सीखा सर, और सोशल मीडिया का मेरा पूरा जो सिस्टम टेलीग्राम का बना है दैट इज बेस्ड ऑन डीएनए नेटवर्क। Which means social media के through आप leads generate कर रहे हो और अपनी authority build कर रहे हो, so that क्योंकि first people will pay you attention and then they will pay you money। अगर हम attention ही grab नहीं करेंगे तो लोग आपके बारे में जानेंगे नहीं, तो and social media में YouTube पे आप content बनाएंगे तभी लोग आपको discover करेंगे कि भाई यहाँ पे कोई है ना। And second thing is जो आपने बोला community, so community लोग आएंगे और आप उनको community उस culture का part जब आप बनाते हो, तो then वो भी online या telegram के through या facebook group के through एक community का जब तक experience नहीं देंगे तब तक लोग एक direction में actually align नहीं होते, उनका mindset एक direction में नहीं होता है, तो आपने community build किया। and third is जो भी लोग leaders हैं, eagles हैं, उन लोगों को आपने special एक कह सकते हैं special attention दिया, so that वो अच्छे से फ्लाई कर पाए और इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाए, राइट? ओके, नाइस। सो अब मैं बात करना चाहूंगा अबाउट व्हाट इज योर दैट मैजिक, कह सकते हैं मैजिक फनल जो कि आप कर रहे हो थ्रू ब्यूटी कॉन्टेस्ट, तो क्या है थोड़ा सा बताइए क्या है ये, कुछ अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। थैंक यू सो मच सर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके चैनल पर लाइव शो करके, बिकॉज एक एक्टर का हमेशा या एक एक्ट्रेस का हमेशा ड्रीम होता है कि वो फिल्म फेयर अवार्ड जीते या आईफा अवार्ड जीते, तो वैसा मुझे आज फीलिंग आ रहा है कि मैं फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हूँ आपके लाइव शो में आकर। और ये ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट जो इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया था 2020 अगस्त में, जस्ट फन में, और अपनी टीम के लिए उस समय मैंने सोशल मीडिया में देखा कि बहुत सारे ब्यूटी विद ब्रेन ऑनलाइन कुछ चैलेंज वो देते थे कि आज आप ब्लू कलर का साड़ी पहन के आइए, आज रेड पहन के आइए, आज चूड़ी सिस्टम है। तो मैंने भी अपनी टीम में सोचा औरतों को इंगेज करने के लिए कि हम एक कॉन्टेस्ट ऐसे ही ऑनलाइन रन करते हैं, वो जस्ट फन में था। तो फन में ही उस समय 156 लेडीज पार्टिसिपेट कर चुकी थी। अब 156 लेडीज को डेली टास्क देना, उस समय तो बस डेली मैं कभी आप बिफोर एंड आफ्टर मेकअप करो, फिर उसके बाद कुछ और वीडियो मेकअप ट्यूटोरियल बनाओ, वो जस्ट फन में था। लेकिन उस समय मुझे समझ में आ गया अगर एक फन के लिए इतनी सारी लेडीज पार्टिसिपेट कर सकती है मेरी टीम से, तो क्यों ना इसको बाहर भी स्प्रेड किया जाए। क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि पेजेंट शो में जाना चाहती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हेजिटेट करती है क्योंकि उनका हाइट, वेट, उनका लुक, उनका ग्रूमिंग, उनको लैंग्वेज उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है। तो मैंने उनके लिए ही ऑनलाइन ऐसे ही स्टार्ट किया और एक फन में ही खुद ही एक फ्लायर बनाया और फ्लायर को जस्ट प्रमोट किया। और प्रमोट किया तो उस समय जो सेकंड कॉन्टेस्ट हुआ था तो उसमें भी करीबन 78 लेडीज पार्टिसिपेट की। ओके, और उसको हमने पूरे उस समय तो सोशल इंस्टाग्राम मैं नहीं चलाती थी,
फेसबुक के माध्यम से ही हमने प्रमोट किया, और जो हमारी टीम थी उनको भी हमने बताया कि अगर तुम दो औरतों को भी लेकर आती हो, दो औरतों को लेकर आती हो, उनसे हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट प्रमोट करती हो 2000-2000 का, तो आपके लिए 4000 का एक हो जाएगा, सेल हो जाएगा और आपके लिए इनकम बढ़ेगा, और वो दो औरतें भी अगर उनको समझ में आता है कल को वो चार लेकर आएंगी, तो ऐसे करते करते हमारा नेटवर्क बढ़ेगा। तो वो फन गेम अब वो सीरियस हो चुका है, एक सिस्टम का पार्ट बन चुका है। अब इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और यूट्यूब के द्वारा हम सभी औरतें जितनी भी हमारी टीम की है वो सभी अपने अपने सोशल मीडिया में प्रमोट करती है, फ्लायर और रील्स बनाकर प्रमोट करती है, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ उसी को प्रमोट किया जाता है। और इसमें प्रमोट करने के लिए ना तो क्वालिफिकेशन, ना ही आपका लैंग्वेज, ना ही आपकी हाइट वेट कुछ भी चेक नहीं करते, ना ही आप कैसा गाउन पहनते हैं, कुछ भी आपका मेकअप वगैरह मैं कुछ भी चेक नहीं करती हूँ। बस उनका मेरा मेन मकसद है कि वो 7 days तक टिके रहे मेरे ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, और इसमें लगी रहे, जो भी मैं टास्क देती हूँ वो कैमरे के सामने कैसा भी आकर बोले मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ मैं फिर बाद में उनको बिजनेस लास्ट डे में बिजनेस कॉन्सेप्ट पूरा समझाती हूँ कि मेकअप अगर तुम हमेशा ही सुंदर दिखना चाहती हो तो उसके लिए पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे से ही आप अपना पूरा अपने आप को पूरा मेंटेन कर सकती हो, जिम जा सकती हो, स्पा कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, अपना खर्चा खुद निकाल सकती हो। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए, उनके माइंड में पूरा डाला जाता है, और यही डालते डालते आज बहुत सारी लेडीज हमारी टीम से बहुत हायर लेवल पर पहुंच चुकी है, कार अचीवर्स बन चुकी है और बहुत ट्रेवल फंड अचीवर्स बन चुकी है। तो ये फन गेम अब ये सीरियस बन चुका है, और एवरी मंथ ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रमोट करते हैं, 1-to-1 आके और छोटे छोटे वीडियोज बनाकर प्रमोट करते हैं, तो इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं सर। तो बहुत ही बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है, और 7 days का ये होता है, करेक्ट? जी, और मंथ में एक बार आप इसको प्रमोट करते हैं जी, मतलब जैसे कोई ये मंथ है तो नेक्स्ट मंथ के लिए जो भी डेट्स होंगी तो पहले से आप फिक्स करके रखते हैं, पहले से फिक्स करेंगे। ओके, तो कैसे जो भी लोग मतलब इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं उनका डेटा कैसे कैप्चर करते हैं आप? कोई आपने फॉर्म बना रखा होगा? गूगल फॉर्म बना रखा है सर, जो भी सोशल मीडिया में सबको बता दिया गया है कि आप अपना अपना गूगल फॉर्म बनाइए, मेरे गूगल फॉर्म को प्रमोट ना करके तुम अपना अपना प्रमोट करो। तो जो भी रील हम बनाते हैं या जो भी वीडियो बनाते हैं वो लोग अपना गूगल फॉर्म कंटेंट लिखते हैं और फिर गूगल फॉर्म डाल देते हैं, तो वहां से जब भी कोई भी कॉल आती है या कोई भी फॉर्म को फिलअप करता है तो फिर उनसे बातें करते हैं कि सिर्फ 2 steps में ही आप ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने सर के ऊपर ताज ले सकते हैं, बस 2 steps है और कुछ भी नहीं है। ओके, तो फिर वो उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि दीज आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए मतलब मिनिमम आप जो भी कितना 2000 का प्रोडक्ट परचेस करें, 2000 के प्रोडक्ट परचेस करेंगे देन आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड फिर जो भी अवार्ड सिस्टम आप करते होंगे क्योंकि उनको लगता होगा कि 2000 में आई कैन विन दिस और यहां पे तो मुझे और ज्यादा बड़ा एक अवार्ड भी मिल रहा है, करेक्ट? एंड द एंड ओके, तो इसमें आप विनर, तो विनर कैसे आप करते हैं? वर्चुअली विनर, वर्चुअली टैग हम सब लेके रखे हुए हैं, वर्चुअली सब बनाते हैं, और जब मौका मिलता है हम उनके एरिया में जाके उनको पहना के भी आते हैं। अच्छा, ऐसे भी? दिल्ली में जब जाएंगे, अभी पिछले 1 साल में जितने जीते होंगे हम दिल्ली जाके दिल्ली के सारे लेडीज को पहनाएंगे एक जगह बुलाकर, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको ताज पहनाए, उनको वो फीलिंग कराए जैसे कि वो मिस इंडिया जीत चुकी है। वेरी गुड, तो मतलब लोगों को जो रिकग्नाइज करा रहे हैं, कर रहे हैं आप, जो एक एक इमोशनली एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है किसी पर्सन की, एक होता है कि लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स क्या कर रहे हैं, दे हैव क्रिएटेड देयर कोचिंग एकेडमी, मतलब वो कह रहे हैं कि ठीक है कम टू द ट्रेनिंग, वो कभी कभी बोरिंग हो जाता है, बट आप जो दे रहे हो दैट इज यू आर नॉट गिविंग लर्निंग एक्सपीरियंस, यू आर गिविंग देम विनिंग एक्सपीरियंस, तो जब वो उनको लगता है कि यस आई एम विनिंग तो ऑटोमेटिकली उनका जो इमोशंस होते हैं वो हाई होते हैं, एंड देन ये एक ऑब्वियसली एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम की तरह पूरी टीम में काम करता है, तो वेरी गुड, वेरी नाइस। सो 7 days, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर, 7 days का कॉन्सेप्ट जो ऐसे रहता है कि कोई औरत अगर मेकअप करना भी नहीं जानती है, कैमरे के सामने आज तक उसने कभी बोला ही नहीं है, तो 7 last day में या नेक्स्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अगर वो फिर से पार्टिसिपेट करना चाहती है तो मैं उनको करने देती हूँ। जितने बार वो लोग पार्टिसिपेट करती हैं तो उनका ग्रूमिंग पॉलिशिंग होते रहता है, हाँ, तो वो लोग सीख जाए, क्योंकि एक ब्यूटी प्रोडक्ट करीबन 4 महीने तक तो चलेगा ही चलेगा,
तो जब तक उनके पास ब्यूटी प्रोडक्ट है, भले ही वो विन ना कर रही हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो मतलब कि पॉलिश हो उनको, और उनके माइंड में पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट चला जाता है, क्योंकि 7 डेज का टास्क ही इस तरीके से बनाया है कि ड्रीम सेटिंग करो, ड्रीम बोर्ड बनाओ, विजुलाइज करो, और अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो, आज तक किसी औरत ने बताया नहीं होगा अपने बारे में। इस हमने भी बनाया है अपना ड्रीम बोर्ड। अच्छा, वेरी गुड, ड्रीम बोर्ड ये। तो इसमें से कोई ड्रीम आप अचीव कर पाए हैं सर? अभी घर हमारा हो चुका है, घर हो चुका है हमारा, BMW भी होने वाला है सर, और ये दूसरा गाड़ी वाला, ये गाड़ी तो मर्सिडीज है, BMW बस लेने वाले, दो गाड़ियां आ चुकी है, इस समय कोई गाड़ी नहीं थी लेकिन आज दो गाड़ी हो चुकी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तीसरा क्या है? ये फ्रीडम लाइफ, तो फ्रीडम लाइफ हो चुके हैं, दोनों ने जॉब छोड़ दिया बच्चों के साथ। बहुत बढ़िया, तो नाइस नाइस, लगभग सारे अच्छी हो चुके हैं, BMW बाकी है बस। हाँ, वो भी बस बहुत ही जल्दी दिख रही है आते हुए, राइट। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो मुझे ये जो एक रिफ्लेक्शन जो आपकी बातों से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो ये आ रहा है कि एक होता है नेटवर्किंग में, वी आर ऑलवेज पिचिंग बिजनेस बिजनेस बिजनेस, बट आप लोग क्या कर रहे हो कि एक पर्सन जो टोटली स्ट्रेंजर है आपके लिए, बिल्कुल आपको नहीं जानता, 7 डेज में आपको आपके साथ इतना स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाता है कि अगर वो आपके साथ कनेक्टेड ना रहे आगे के लिए, तो वो गिल्टी फील करेगा कि यार मैंने क्यों इसको मैं आगे कंटिन्यू नहीं करता, इतनी अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है, इतना अच्छा बैच बना, इस बैच में इतने सारी लेडीज कर पा रही है, तो मैं भी कर सकती हूँ, करेक्ट? सो बहुत बढ़िया, और कुछ एड ऑन करना चाहते हैं? अभी तो ये होता है कि फेसबुक में अगर मतलब इस बार कोई पार्टिसिपेंट है, उसका अगर बर्थडे चल रहा है, तो करीब 1000 लेडीज हमारी टीम से उसको विश करती है, वो खुद दंग रह जाते हैं कि उनके इतने सर्कल कहां से आ गए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, नाइस नाइस नाइस, वंडरफुल, गुड गुड। सो नाउ इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को, ये जो आपने जो कॉन्सेप्ट एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं, अगर मार्केटिंग के टर्म्स में बोलेंगे, तो दिस इज ऑल्सो ए फनल, फनल, ओके? फ्रॉम डे वन अ पर्सन इज टोटली नॉट अवेयर अबाउट यू, डे 7 में that person is 100% aware about you, कि वो आप कौन है, क्या कर रहे हैं, आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है। सो क्या प्लान है आपके आगे फ्यूचर के लिए, कि अब आप इसको और ज़रा सिस्टमाइज कैसे करने वाले हैं, जिससे कि आप इसको स्केल अप कैसे करेंगे, मतलब ऐसे कुछ आपका कुछ प्लान है, कुछ शेयर करना चाहते हैं? सर बिल्कुल सर, इसको आगे लेके जाने के लिए अभी हम ये सोच रहे हैं कि पैन इंडिया में रन करना है ऑनलाइन। पैन इंडिया में रन करने के लिए एक कॉन्टेस्ट में करीबन 1000 आए, तो उसके लिए और स्ट्रॉन्ग यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब में अभी बस हम रील वगैरह डाल रहे हैं, तो रील के माध्यम से और कैसे, मतलब कि यूट्यूब के माध्यम से और कैसे करना है उसके लिए, मतलब जैसे कि अभी क्या है सर कि हम खुद बताते हैं कि आपको 2 स्टेप करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन एक ऐसा फॉर्म बनाया जाए, बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कि वो उसको जैसे ही क्लिक करें तो सब कुछ पता चल जाए, लाइक एक रोबोटिक सिस्टम हो कि जिससे उसको सब कुछ पता चल जाए कि मुझे क्या करना है, वो वहां पर क्लिक करे, खुद ही रजिस्टर करे, खुद ही क्लिक करे, जाके 6 प्रोडक्ट्स जो लिखे रहेंगे वो खुद ही जाके परचेस कर ले, और फिर हमारे पास पता चल जाए कि हाँ किसी ने एक परचेस कर लिया है। अभी खुद पिचिंग करना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है, तो एक रोबोटिक सिस्टम बनाने के लिए कि खुद ही सारा कुछ वो कर ले। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, यही This is an ideal step, because अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका influence grow होता रहेगा, वैसे वैसे ही even आपके जो team members हैं, उनका जो time जा रहा है उनको समझाने में, और जैसे ही हम बोलते हैं कि कुछ product purchase करने होते, kind of एक resistance आता है mind में कि मैं लूँ या ना लूँ, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, testimonies देखता है वो person, and then वो decide करता है कि मैं चलो करता हूँ इसको, ये करते हैं। So अगर आप इस तरीके से इसको बोलते हैं, एक अगर एक ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू अगर आप करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जनरेट करें, और ज्यादा ओके YouTube और Instagram के थ्रू, तो मेरे ख्याल से सिस्टम रेडी है आपका, बस आपको स्केल अप करने के लिए और ज्यादा ऑडियंस और ज्यादा चाहिए, दैट्स इट, करेक्ट? सो भी आप कुछ पेड एड भी रन करते हैं या फिर ओनली ऑर्गेनिक कर रहे हैं अभी आप? सर पेड मैं करता हूँ फेसबुक में, ओके? फेसबुक का मैंने दोनों फेसबुक पेज वाइज भी मैंने किया हुआ है, ओके? और फॉलोड बाय मैं नॉर्मल एड जो होता है वो भी करते रहता हूँ, 2-3 पेज बनाया हुआ हूँ अपनी टीम का भी, सिस्टम का भी, और ट्रायल करते रहते हैं। अभी तक फेसबुक एड्स का एक्सपीरियंस ये रहा, हमारे पास वो इंसान आते हैं जो एकदम फ्री रहते, तो एकदम फ्री से आप कुछ भी नहीं करा पाएंगे, ये है उसमें से हमें बहुत ज्यादा फिल्टरिंग करना पड़ रहा है, तो बेस्ड ऑन डेट मैंने ये कंक्लूजन किया हुआ है कि फेसबुक एड से ज्यादा इंस्टाग्राम में जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो रही है और वहां के थ्रू जो आ रहे हैं वो हमारे पास जेन्यून आ रहे हैं, तो आप किसी इन फ्यूचर को भी
इन्फ्लुएंसर को भी आप कुछ अप्रोच करते हैं आप अपने बिजनेस? अभी तक नहीं किया सर, अभी तक नहीं किया। एक केरला से एक कंपनी ने हमें अप्रोच किया था कि आपका ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हमारे प्रोडक्ट डाल दो, हम आपको पे करेंगे। तो हमें एक आइडिया आया है कि इन फ्यूचर हम अपना इतना बड़ा स्केल अप करेंगे कि खुद ही अपने आप को ब्रांड बना लेंगे। सो दैट मार्केटिंग इज मार्केटिंग, वो अमेजन में हो या फिर हमारी कंपनी में एक ही बात है। तो इसको और बड़ा स्केल अप करना है। नाइस नाइस नाइस, गुड गुड। सो इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बोलूंगा इन टर्म्स ऑफ मंथली इनकम, ओके, सो अभी आप मतलब कितना आप अर्न कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस? अराउंड 3 लाख हिट कर रहे हैं आप सर? 3 लाख 2020 में हमने रेगुलर हिट किया था, 2 लाख लास्ट ईयर हमने रेगुलर हिट किया, अभी वो 2 लाख का ही चल रहा है सर, और हम इसको फिर वापस पीक में लेके जाना है। तो अप एंड डाउन आर पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जब हम ऑल ओवर इंडिया पहचाने जाएंगे। So why I ask this question is because कई सारे लोग हैं जो अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, बट समटाइम्स होता क्या है कि जिस स्ट्रेटेजी से वो लोग काम करते हैं वो फ्लक्चुएट होता है, वो स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है। बट जो मुझे आपसे बात करके लगा कि योर स्ट्रेटेजी इज वेरी वेरी सॉलिड, और ये कंसिस्टेंसी 2 to 3 lakh के बीच में अगर आ भी रहे, दिस इज वेरी गुड। और डेफिनेटली आप जिस तरीके से बस इसको स्केल अप करेंगे तो हर चीज मल्टीप्लाई होने के बहुत मतलब साफ दिख ही रहे हैं कि ये ऐसे होने वाला है, तो ग्रेट। तो क्योंकि मनी इज एक्चुअली इन द लिस्ट, मनी इज एक्चुअली इन द कम्युनिटी, ओके। तो जो कम्युनिटी आपकी बिल्डअप हो रही है ना, वो ही मल्टीप्लाई करेगा आपके आगे वाले टाइम। आपके बस गूगल सर्च में आना है सर, बाकी तो अपने आप रोल अप हो जाएगा। राइट राइट राइट, ग्रेट। सो अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आप ज्यादा यूज करते हो, कौन से प्लेटफॉर्म? शोभा यूज करती है इंस्टाग्राम, मैं यूज करता हूँ फेसबुक। फेसबुक इसलिए क्योंकि यहाँ एड रन करना मेरे लिए इजी रहता है और लोगों को मॉनिटरिंग करना मेरे लिए इजी रहता है। इंस्टाग्राम ये इसलिए क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना इजी रहता है, तो हम दोनों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज किया। एंड यूट्यूब ऑल्सो? यूट्यूब में सर डिबेकल हो गया, मेरा बहुत बड़ा चैनल था, अच्छा चल रहा था, लेकिन वो KYC फॉर्म अपडेट करने का मैंने फॉर्मूला बताया विदाउट डूइंग द ब्लर, तो मेरा वो डाउन हो गया यूट्यूब चैनल। फिर मैं रिटर्न का रिक्वेस्ट डाला हूँ, तो अगेन से यूट्यूब में मैं आऊंगा। ओके राइट, बिकॉज यूट्यूब इज मतलब एक सर्च इंजन है, तो इसमें डेफिनेटली आपको और करना चाहिए। यूट्यूब लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स है, मैं सोचा हुआ क्या, लेकिन ये छोटा सा है और मैं टीम को भी सबको बताना चाहता हूँ, कभी भी किसी का पर्सनल आधार या वो यूट्यूब में नहीं दिखना चाहिए, वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कि किसी का आधार या आईडी कार्ड उसमें दिख जाए। KYC अपलोड करने के चक्कर में उसको ब्लर करना मैं भूल गया तो मेरा चैनल उतर गया, तो ऐसे गलती कोई ना करे। और अपने चैनल में कभी भी कॉपीराइट क्लेम आने ना दे, तभी आप लॉन्ग रन तक लॉन्गविटी रख सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बट यस, तो स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी अगेन, बाकी इंस्टाग्राम पर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सो ऑल द ऑडियंस हु आर लिसनिंग टू अस, इफ यू वांट टू कनेक्ट, इफ यू वांट टू सी कि आपको जो भी दीपक जी कर रहे हैं, शोभा जी जिस तरीके से ये लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, इफ यू जस्ट वांट टू फॉलो देम एंड अंडरस्टैंड कि क्या कर रहे हैं, यू कैन जस्ट फॉलो देम, ओके। सो इनका जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है एंड यूट्यूब का जो भी लिंक है जो मैं इनसे लूंगा अभी, सो आई विल शेयर दिस इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, ओके। सो वहां से आप क्लिक करके आप इनको फॉलो कर सकते हो, इनको देख सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली अगर हम किसी को ऑब्जर्व भी करते हैं ना कि वो कैसे काम कर रहा है, तो वहां से भी काफी सारी लर्निंग मिलती है। एक्चुअली हम उनकी एनर्जी को कैच करते हैं, उनके वे ऑफ वर्किंग को कैच करते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी ग्रेट लर्निंग फॉर यू ऑल्सो इफ यू फॉलो देम, ओके। सो बिफोर वी क्लोज दिस कन्वर्सेशन, आप कुछ लास्ट में कुछ शेयर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है लेकिन हमेशा डाउट में रहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, कैसा बिजनेस है, और बिजनेस को ऑनलाइन में करूं या ऑफलाइन करूं, हमेशा ये कंफ्यूजन है लोगों को, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि नहीं ये ऑनलाइन नहीं हो सकता है ना, इसको ये पीपल मैनेजमेंट का काम है, लोगों से मिलने का काम है, इमोशनल काम है, बट इसको ऑनलाइन किया जा सकता है कि नहीं, और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एट द एंड मैं सुनना चाहता हूं आपसे कि क्या क्या कहना चाहेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में। आपने काजोल और अजय देवगन का मूवी में सुना था, प्यार इंसान को बहुत अच्छा बना देता है, तो सेम चीज अप्लाई होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग इन रियलिटी लोगों को बहुत ही अच्छा इंसान बना देता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फ्लो होता है, जब तक आप दिल से लोगों को बात नहीं करेंगे अगला पहले ही समझ जाएगा कि अगला मुझे लूटने आया है। तो ये एक्चुअल में आपको अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। और जहां तक बात है ऑनलाइन जाए ना जाए, एक्चुअल में ऑनलाइन आपको अपना हॉट कॉन्टेक्ट को कवर करने के बाद ही जाना चाहिए। हॉट कॉन्टेक्ट में कोई भी नहीं आएगा तो भी चलेगा, आप सीख तो लोगों की लोगों से बात कैसे करना है। आप अपने द्वारा जो डेली जिससे मिलते हैं उनको अगर कन्विंस करने की कोशिश नहीं करोगे और बात करना नहीं सीखोगे, तो अननोन को अपना कैसे बनाओगे?
एक आर्ट है जो सीखना पड़ता है, जैसे सेलिंग इज ए आर्ट, वैसे पीपल मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग इज ए आर्ट। तो मैं सभी लोगों को कहूंगा लिस्ट जरूर बनाएं, अपने हॉट कॉन्टेक्ट को जरूर कवर करें और प्रैक्टिस जरूर करें। नो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सीरी में जैसे अप एंड डाउन होता है, 100 हॉट कॉन्टेक्ट को कवर होने के बाद आप ऑनलाइन जाइए, सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। पहले दिन से जाएंगे तो कोई फायदा नहीं, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप अपने ऑनलाइन में सर वो चेहरा देख के आपको जज कर रहा है, और आपके चेहरे से अगर ग्लो और फ्रीक्वेंसी नहीं निकल रही है तो अगला आपसे क्यों जुड़ना चाहेगा। आपको उनको नजर आना चाहिए इसका चेहरा देखते हुए कि इस बंदे में दम है, ये मुझे आगे बढ़ा सकता है। जब तक आप एक पेड जनरेटर नहीं बन जाएंगे तब तक आपका ऑनलाइन में ऑरा और उठबा नहीं बन पाता। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया बात आपने बोली। एक होता है कि कई सारे लोग बुक पढ़ के कॉन्टेंट तो बना रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एरिक बोरी को देख लिया, उसको देख लिया, कई सारे वीडियोस देख लिया और उससे रिलेटेड कंटेंट बना लिया, बट कंटेंट नहीं, इट इज ऑल अबाउट कि कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपसे रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि लोग उस एनर्जी को उस चीज को कैच करते हैं कि कितना जेन्युइन पर्सन है, कितना सही है ये, एंड देन फाइनली वो सबसे पहले पर्सन आपसे कनेक्ट होता है, एंड देन आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उससे फिर इंटरेस्टेड होता है कि यार आप क्या कर रहे हो, आई वॉन्ट टू वर्क विद यू। नाइस, तो शोभा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे एट दी एंड? यही बोलना चाहूंगी कि देखो अगर आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में और आपके आपके नाम के सामने या नाम के बाद हमेशा ही एक वर्ड अभी तक चिपका हुआ है, हाउसवाइफ, अगर उस या गृहिणी, अगर उसको डिक्शनरी से डिलीट करवाना चाहती हैं तो ये बिजनेस घर संभालते हुए आप कर सकते हैं। और फुल टाइम में फिर बाद में क्या होगा कि फुल टाइम में लोग आपको बोलेंगे कि ये औरत ना फुल टाइम में बिजनेस वुमन है और पार्ट टाइम में गृहिणी है ना? तो घर संभालते संभालते हो सकता है। और घमंड तो वो होता है कि जब आप ही के नाम के अकाउंट में आप ही के काम का पैसा आए तो वो घमंड ही कुछ और होता है। और उस घमंड को कायम रखिए और मिठास बनाए रखिए, और मिठास तो हमारा नारीत्व का मजा तो उसकी मिठास में है। तो घर संभालते हुए और थोड़ा सा हम वैसे तो बातें करना तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बस वही बातें तो करनी है आस पड़ोस के लोगों से, बस बातें करनी है। अभी तक हम इधर की बातें उधर कर रही थी लेकिन अब अपने बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो घर में पैसा आएगा, और जब पैसा आता है तो वो घमंडी कुछ और होता है। पति के पैसे से हम सिर्फ मैनेज करती हैं लेकिन अपने पैसे से हम पर्दे चेंज कर सकती हैं, वाइट वॉश करवा सकती है, छोटा फ्रिज को बड़ा कर सकती है, बहुत कुछ काम कर सकती है। तो करते रहिए काम। थैंक यू सो मच सर। नाइस, वंडरफुल। तो चलिए, नाइस टॉकिंग टू यू, ऑल द बेस्ट। और आपने जो आपका ड्रीम बोर्ड है वो तो आपने पूरा अचीव कर ही लिया, बट जो रह गया है मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली वो जल्दी से जल्दी अचीव हो, और वो अचीव होने के बाद हम दोबारा से फिर से डिस्कशन करें। ओके, सो ऑल द बेस्ट। So thank you everyone for watching this content. Do check out the links in the video description. So I hope you got some learning. आपके जो भी comments हैं, जो भी learnings आपने अगर यहाँ से देखी ली हैं आज के discussion के साथ, especially Transformers Group, आप लोग इसको ध्यान से सुन रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि जो भी आपने सीखा है, दीपक जी और शोभा जी को आप congratulate बोलना चाहते हो, use the comment box below and just Transformers Group को और आगे लेके जाइए। Okay. So thank you. Thank you.